माँ माँ, मुझे खिलौना चाहिए। मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। बिटिया बहुत दिनों से खिलौने मांग रही थी। चलो इसे ही लेकर चलता हूँ। माँ पापा, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। एक बार की बात है, जब एक जंगल में एक जादुई पेड़ के नीचे साधु बाबा एक चुड़ैल को अपने वश में कर रहे होते हैं, तभी साधु बाबा बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तूने सारे गांव वालों की नाक में दम कर रखा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी चुड़ैल बोलती है, साधु, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तेरी जीवन लीला मैं यहीं समाप्त कर दूंगी। तभी साधु बाबा अपने मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, पेड़ ओ पेड़, बना दे इस चुड़ैल को एक डोल। तभी उस चुड़ैल में आग लग जाती है और वह चुड़ैल डोल चुड़ैल में बदल जाती है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, अब यह किसी को परेशान नहीं करेगी। ऐसा कहकर साधु बाबा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन उसकी बेटी अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ, मुझे खिलौना चाहिए। मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। उसकी माँ बोलती है, बेटी, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तुझे खिलौना कहाँ से दिलाऊं? तभी किसान बोलता है, हे भगवान, इस गरीबी ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। गरीबी ही इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। भगवान यह रोग किसी को ना दे। ऐसा कहकर वह लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी खिलौने वाली गुड़िया पर पड़ती है। किसान उस गुड़िया के पास जाता है और बोलता है, बिटिया बहुत दिनों से खिलौने मांग रही थी, चलो इसे ही लेकर चलता हूँ। इस खिलौने वाली गुड़िया को देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उस खिलौने वाली गुड़िया को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है, उसकी बेटी उस खिलौने वाली डॉल को देखकर बहुत खुश होती है। जल्दी ही रात हो जाती है। लड़की उस खिलौने वाली डॉल को अपने साथ लेकर सोई होती है। तभी वह खिलौने वाली गुड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, मुझे मेरा शिकार मिल गया और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इसे लेकर जाती हूँ और मार कर खा जाऊंगी। फिर क्या था, वह उस लड़की को उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। तभी लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ पापा, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। तभी किसान और उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। वे दोनों उस चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ, यह चुड़ैल मेरी बेटी को खा जाएगी। तभी उसकी नजर खाट पर पड़ती है। वह देखता है कि जो खिलौने वाली गुड़िया वह लेकर आया था, वो वहां नहीं है। यह देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। साधु बाबा, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहीं जंगल में मुझे एक खिलौने वाली डॉल मिली थी, परंतु रात में वह चुड़ैल एक डॉल में बदल गई और मेरी बेटी को उठाकर ले गई। तभी साधु बाबा को याद आ जाता है कि ये वही चुड़ैल है जिसे उन्होंने एक खिलौने वाली डॉल में बदल दिया था। साधु बाबा बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द जंगल में जाना होगा। वह चुड़ैल तुम्हारी बेटी को लेकर उस जंगल में ही गई होगी। यह कहकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि चुड़ैल उस जादुई पेड़ के नीचे उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई है और लड़की के हाथ में एक गुड़िया भी है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, चुड़ैल छोड़ दे उस बच्ची को। चुड़ैल बोलती है, नहीं, ये मेरे साथ यहीं रहेगी, मैं तुझे इसको नहीं दूंगी। तभी साधु बाबा अपने मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, पेड़ ओ पेड़, भस्म कर दे इस चुड़ैल को। तभी चुड़ैल में आग लग जाती है और चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है।
लड़की के पिता उससे बोलते हैं, बेटा फेंक दो इस डॉल को और चलो हमारे साथ। लड़की खिलौने को फेंक देती है और वे सभी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अनजान चीज को बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। यह कहानी है सांप लोक की। एक बार की बात है, मनुष्यों की दुनिया से दूर एक गहरे समुद्र के नीचे एक सांप लोक था। उस सांप लोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज राज करते थे। एक दिन नागराज का बेटा छोटू नागराज उनसे बोलता है, पिताजी बाहर की दुनिया कैसी है? मैं एक बार बाहर जाकर इंसानों को देखना चाहता हूँ। तभी नागराज बोलता है, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता लगेगा तो वह हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और इंसानों की दुनिया तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तभी इच्छाधारी नागिन बोलती है, हाँ बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बाहर इंसानों की दुनिया जरूर दिखाएंगे। लेकिन छोटू नागराज सोचता है, पता नहीं पिताजी मुझे बाहर इंसानों की दुनिया कब दिखाएंगे। एक दिन जब इच्छाधारी नागराज और नागिन सब सो रहे होते हैं, तभी छोटू नागराज चुपके से सांप लोक से बाहर आ जाता है और बोलता है, पिताजी तो सो रहे हैं, जब तक वह उठेंगे तब तक मैं बाहर इंसानों की दुनिया देखकर वापस भी आ जाऊंगा। यह सोचकर वह तालाब से बाहर आ जाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर वह देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। साधु को देखकर छोटू नागराज बोलता है, अच्छा तो ऐसे होते हैं इंसान, लेकिन यह यहाँ बैठकर क्या कर रहा है, जाकर पूछता हूँ। छोटू नागराज साधु के पास जाता है और बोलता है, क्या आप इंसान हैं और यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? तभी साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, जा जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, पिताजी सही कहते हैं इंसान बहुत बुरे होते हैं। वहीं एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी यह सब देख रही होती है। वह एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और छोटू नागराज के सामने आ जाती है। छोटू नागराज उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। यह कहकर वह उस चुड़ैल को जो एक कुत्ते के भेष में थी उसे लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर सांप लोक पहुंचता है, वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ पिताजी बचाओ। तभी नागराज और इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल तू फिर आ गई, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ नागराज मैं फिर से आ गई, इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी और तुम्हारे इस नागलोक को तबाह कर दूंगी। तभी चुड़ैल के दोनों राक्षस वहां पर प्रकट हो जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं पर मार देते हैं। यह सब देखकर नागराज और छोटू नागराज बहुत घबरा जाते हैं और वे वापस सांप लोक में चले जाते हैं। मेरे प्यारे सतानो जाओ और जाकर नागलोक को तबाह कर दो। तभी चुड़ैल और उसके राक्षस सांप लोक में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सांप लोक धरती के अंदर समा जाता है।
परंतु नागराज और छोटू नागराज बच जाते हैं। नागराज छोटू नागराज से बोलता है, बेटा मैंने पहले ही कहा था कि बिना पूछे बाहर मत जाना। तुम्हारी एक गलती की वजह से इच्छाधारी नागिन हमारे बीच नहीं रही। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।